नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचना। आई नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों के लोन लेकर ना चुकाने वाले डिफॉल्टरों के मामले पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने आज तक सुनवाई में कहा है कि लोग सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ लोन लेकर डिफॉल्टर हो जाते हैं और कंपनियों को बंद कर देते हैं और खुद दिवालिया घोषित कर देते हैं। वहीं कई गरीब किसान हैं जो थोड़ा सा पैसा उधार लेते हैं और उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बैंकों का रेगुलेटर भी है और उसे देखना होता है कि जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है कि आप बैंकों के गलत तरीके से लोन दिए जाने पर कार्यवाही हो सके। फर्मों को घाटे से मुनाफे में लाने की माहिर कंपनी ग्राबल कैपिटल ने टाटा स्टील के यूके लॉन्ग प्रोडक्ट प्लांट को महज एक पाउंड में खरीदा है। इस डील के लिए टाटा स्टील यूके ने केपीएमजी को एडवाइजर अपॉइंट किया है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि ये डील यूके के रेगुलेटर से मंजूरी मिलने के बाद ही पूरी होगी। डील से अब 4,000 लोगों से ज्यादा की नौकरियां बचाई जा सकेंगी। देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2015-16 में अप्रैल फरवरी के दौरान इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 27.45% बढ़कर $42 अरब रहा। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2014-15 की इसी अवधि में $32.96 अरब था। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार शुद्ध FDI अप्रैल फरवरी के दौरान $34.04 अरब था, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष 2014-15 की इसी अवधि में $29.66 अरब था। वित्त मंत्रालय के अनुसार 98% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में स्वतः मार्ग से आ रहा है। सराफा व्यापारियों में आपसी फूट के बाद मंडे को सराफा मार्केट में 40 दिन बाद थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिली। शहर की दर्जनों सराफा दुकानों के शटर मंडे को उठ गए, जबकि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने व्हाट्सएप के जरिए बंद का ऐलान कर रखा था। लेकिन इस ऐलान को दरकिनार कर अधिकतर व्यापारियों ने अपनी दुकानें सुबह ही खोल दी, जबकि कईयों ने दिन भर बंदी के बाद शाम को अपनी दुकानें कस्टमर्स के लिए खोल दी। केंद्रीय श्रमिक संगठन सीटू ने ठेका श्रमिक नियमों के मसौदे की आलोचना की है, जिसमें अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन ₹10,000 करने समेत अन्य प्रस्ताव किए गए हैं। ट्रेड यूनियन ने सभी के लिए न्यूनतम वेतन ₹18,000 किए जाने की मांग की है। मसौदा नियम में ठेका श्रमिक केंद्रीय नियम 1971 के कुछ प्रावधानों में संशोधन की बात कही गई है। श्रम मंत्रालय ने इस पर संबंध पक्षों की राय लेने के लिए 30 मार्च को इसे जारी किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMSTV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी हमारी।